नमस्ते दोस्तों, इंडियन वेज किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याजी बड़ा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वीडियो चालू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और व्यंजन पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसके सामग्री। पहले हमने एक कटोरी चना दाल को 6 घंटे के लिए भिगो दिया था, भिगो के छान के रख लिया है। एक कूटा धनिया है, ये अजवाइन है, ये 5-6 कड़ी पत्ता का है और ये धनिया पत्ता है, हमने काट लिया है। और एक बड़ा प्याज है जिसे हमने थोड़ा मोटा काट लिया है। ये 2 मिर्ची हैं, हमने काट लिया है। ये नमक है। चलिए अब हम सबसे पहले चना दाल को पीस लेते हैं और अपना प्याजी बड़ा बनाते हैं। तो देख सकते हैं हमने चना दाल को थोड़ा दरदरा पीस लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा चना दाल बचा लिया था, इसमें हम डाल देंगे। चलिए अब हम अपने मसाले डालते हैं। हम एक चुटकी अजवाइन ले लेंगे और इसको क्रश करके डाल देंगे। इसमें हम कूटा धनिया डाल देंगे, आधा चम्मच के बराबर। हरी मिर्च डाल देंगे इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे अच्छे से। इसमें अपना प्याज डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसे डालें। अब इसमें हम अपने स्वादानुसार नमक डाल देंगे। चलिए अब हम इसे मिक्स करते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, इससे सलाद बहुत अच्छा आएगा। और इसकी टिक्की तैयार करते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसे मिक्स कर लिया है, अब चलिए इसकी टिक्की बनाते हैं। थोड़ा बड़ा साइज का बनाएंगे क्योंकि प्याजी बड़ा थोड़ा बड़ा साइज का रहता है। इसी साइज के हम सभी टिक्की तैयार कर लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। चलो हम अपनी दूसरी टिक्की तैयार करते हैं। ऐसे हम अपनी सभी टिक्कियां तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा टिक्की बनके तैयार है। चलिए अब हम अपना गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं और इसे फ्राई करते हैं। चलिए तो देख सकते हैं हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हम 1 कटोरी तेल डाल देंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। तो देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो गया है। हम अब एक एक करके अपनी टिक्की डाल देंगे इसमें और आंच को मीडियम रखेंगे। देते हैं ताकि हमारी टिक्की अच्छे से अंदर तक पक जाए।
चलिए देख लेते हैं हमारा प्याजी बड़ा एक तरफ से सिका है कि नहीं। चलिए हम इसे अब पलट लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा प्याजी बड़ा एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब इसे हम दूसरे तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे और इसे हम डबल फ्राई करेंगे ताकि ये और ज़्यादा क्रंची रहे। चलिए तो देख सकते हैं हमारा प्याजी बड़ा सिक गया। हम इसे निकाल लेते हैं और फिर हम इसे डबल फ्राई करेंगे थोड़ा सा दबा के। चलिए इसे हम सर प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर बाद हम इसे फिर से फ्राई करेंगे ताकि इससे ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाए और अंदर तक सिक जाए। थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं फिर हम इसे डबल फ्राई करेंगे और आंच को एकदम स्लो कर देंगे। देख सकते हैं हमने प्याजी बड़ा अपना निकाल लिया है। अब इसे हम टिश्यू पेपर पे रखेंगे और इसे थोड़ा सा दबाएंगे और फिर इसे डबल फ्राई करेंगे। ये गर्म है, 5 मिनट रेस्ट कराया है। इसको हम थोड़ा दबा देंगे जिससे ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। ऐसे करके हम अपने सभी प्याजी बड़े को दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। इसे हम जब डबल फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रंची अंदर तक रहेगा। ऐसे करके हमने अपने सभी प्याजी बड़े को प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने सभी प्याजी बड़े को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दिया है। अब चलिए हम इसे डबल फ्राई करते हैं। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और अपना प्याजी बड़ा डालेंगे। देखेंगे कि प्याजी बड़ा खाने में इतना टेस्टी और स्वादिष्ट रहेगा और इतना क्रंची रहेगा जैसा मार्केट में मिलता है। तो चलिए अब इस प्याजी बड़े को हम दूसरे तरफ से भी सेक लेंगे। तो देखिए हमारा प्याजी बड़ा पूरा सुनहरा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हम अपने प्याजी बड़े को निकाल रहे हैं। ऐसी हम अपने सभी प्याजी बड़े को निकाल लेंगे और सर्विंग बॉल में प्लेट में सर्व करेंगे बॉल में प्लेट। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्याजी बड़ा बनके तैयार है। यह देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। इसे हम हरी चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे अपने परिवार के साथ खाएं और प्लीज़ बताएं बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कि कैसा बना था। और यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।